देखो ये दिख रहा है क्या है आप लोगों को? बोतल। यह पानी की एक बोतल, कैसी है? कांच की है। बोतल तो प्लास्टिक की भी लाया हूँ, लेकिन ये तो नहीं पूछा आप लोगों से कैसी है। कांच की एक बोतल में लेकर के आया हूँ, इसके अंदर है पानी। इस पानी की हेल्प से हम एक लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में क्या आते हैं? लेंसेज आते हैं। पानी से भरी हुई एक बोतल है, ये एक लेंस की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है? मैं क्या करता हूँ, एक पेपर के ऊपर कुछ मार्क्स बना लेता हूँ। ये मैंने बनाए हैं दो एरोस। एरोस की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, राइट टू लेफ्ट। अभी हम क्या करेंगे, इसको कांच की इस बोतल के पीछे रख के देखेंगे। अभी देखो इसका आधा पोर्शन खाली है, आधा पोर्शन। एक बार मैं इसको आधे पोर्शन में दिखा, ये मैंने आधे पोर्शन में एरोस दिखाई, कैसे दिखाई दे रहा है? राइट टू लेफ्ट दिखाई दे रहा है। पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहे हैं? पीछे वाले बच्चे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही काम को अब नीचे वाले हिस्से के साथ करूं, जहां पे पानी भरा हुआ है, अभी भी कैसा दिखाई दे रहा है? दिख नहीं रहा, बड़ा हो गया। लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही है, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं अब इनको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, पास वाले बच्चे शायद देख पाएंगे, थोड़ा सा पीछे ले जाने पर डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन चेंज हो गई? थोड़ा सा पीछे जाने पर डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली? पानी से भरी हुई कांच की एक बोतल डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या कर देती है? चेंज कर देती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। जब हम बात कर रहे हैं ऐसे किसी कांच की एक बोतल की जिसमें पानी भर के हमने उसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है, पलट गई है, साथ में उसका साइज भी बड़ा हो गया है। तो हम बात कर रहे हैं कौन से लेंस की? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट से, कहां से? फोकल पॉइंट से कहां रखते हैं? दूर रखते हैं, डिस्टेंट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो कैसा हो जाएगा? इनवर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो कैसा हो जाएगा? इनवर्टेड। और उसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा? बड़ा। तो कन्वर्जिंग लेंस की एक प्रॉपर्टी है। इस कन्वर्जिंग लेंस को हम शॉप से खरीदने जाएंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम अपने घर में कन्वर्जिंग लेंस को यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है बेटा हम इसका यूज लेंस बना के चश्मे में कर ले, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो पानी से भरी हुई कांच की एक बोतल, केवल कांच की एक बोतल, प्लास्टिक की बोतल के साथ ये नहीं होगा। रीजन भी क्योंकि लेंसेज जो होते हैं वो कांच के बने होते हैं और उन कांच के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है जो इस पानी से भरी हुई बोतल ने प्रॉपर्टी क्या सीखी कि पानी से भरी हुई कांच की एक बोतल क्या करती है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करती है। कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, अगर हम कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट से डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को क्या कर लेता है? इन्वर्टेड कर लेता है, साथ में साइज ऑफ द इमेज को इंक्रीज कर लेता है, इनलार्ज कर लेता है। अब ये फोकल पॉइंट क्या है इसके बारे में भी बात कर ले। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये अपने पास एक लेंस है, इस लेंस का जो मिड पॉइंट है, इस लेंस का जो बिल्कुल मिड सेक्शन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इसको बोलते हैं बेटा पोल। क्या बोलते हैं इनको? इस पोल से या तो राइट साइड जाओगे आप या फिर लेफ्ट साइड जाओगे आप। अपने को जाना किधर है? जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ। सपोज कि मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद अब इसके पास दो फोकल पॉइंट होंगे, एक होगा टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होगा फॉरवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक इमेजिनरी होगा, एक रियल होगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो फोकल पॉइंट है, सपोज कि यहां पर है, या इसका एक फोकल पॉइंट यहां पर है। मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया पोल और फोकल के बीच में, ये क्या आ गया? फोकल पॉइंट। ये क्या आ गया? पोल। मैंने क्या किया? दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, जो इमेज बनेगी वो बैक साइड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम डायरेक्शन में बनेगी। लेकिन अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट से कहां रखा? पीछे रखा, दूर रखा, तो क्या होगा? जो इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है उसकी इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। तो यह हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो कि पानी से भरी हुई एक बोतल एक्ट करती है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर देती है और उसकी डायरेक्शन को इन्वर्टेड करती है।